हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे मुनक्का का दूध। सो ये हमने यहाँ पे कुछ मुनक्का लिए हैं और 1.5 गिलास हमने दूध लिया है, क्योंकि जब हमारा ये दूध बॉईल होगा तो ये 1 गिलास ही रह जाएगा। और मुनक्का के अंदर जो बीज होते हैं सीड, वो हमने निकाल लिए हैं। और जो ये मुनक्का वाला दूध है ये बहुत फ़ायदेमंद है, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। हमने जो 1.5 गिलास दूध लिया है वो हमने पैन के अंदर रख दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मुनक्का। इसको 3-4 उबाल दिलाएंगे और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे चीनी। और अगर आप चीनी नहीं डालें तो भी चलेगा, गुड़ भी आप इसमें डाल सकते हो। सो हमारा जो दूध है वो हमने मीडियम फ्लेम पे रखा, और जैसे ये बॉयल होने के लिए आ रहा है हम इसको लो पे रख कर रहे हैं। अब आप इसके फ़ायदे सुनिए। जो मुनक्का वाला जो दूध है, अगर वो हम नाइट में बना के पियेंगे तो इससे क्या होगा, नींद जो है वो बहुत अच्छी आती है। दूध और मुनक्का दोनों ही जो है वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और दूध में मुनक्का डाल के खाने से पेट में जो गैस है, सूजन, पेट का फूलना, कब्ज, ये सभी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ये मुनक्का और ये दूध ये इतना अच्छा होता है कि बेस्ट होता है ये हमारी बॉडी के लिए। मुनक्का में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूध मुनक्का खाने से जो खून की जो कमी होती है हमारी बॉडी में वो पूरी होती है। और अगर घर में हमारे छोटा बच्चा है, उसको सर्दी वगैरह हो गई, तो मुनक्के वाला दूध पिलाएं। अगर दूध में वो मुनक्का नहीं खाए तो तवे पे मुनक्का सेकें और फिर हल्का सा नमक डाल के उसको खिलाएं। और अगर आप दूध में मुनक्का नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुनक्का को पानी में भिगोएं, फिर आप 5-7 मुनक्का खाएं और ऊपर से दूध पी लें। सो आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो बॉयल हो रहा है। अब हम थोड़ा हाई कर देंगे, फिर हम इसको लो पे कर देंगे। ऐसे ही हम 5-6 उबाल दिलाएंगे इसमें। जो हमारी जो मुनक्का है उसका साइज मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे ये बॉयल होके आएंगे इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे आपको जब गिलास में डालेंगे। अभी हम थोड़ा और बॉईल करेंगे इसको। हम इसी प्रोसेस को बार बार से कर रहे हैं, हाई फिर लो, हाई फिर लो। हमारा जो दूध है वो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हुआ इस तरीके से। 5-10 मिनट लगती हैं इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सी एवरीवन, हमारी जो मुनक्का है वो काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गई है। इनका जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया, और जो हमारा दूध है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको गिलास के अंदर डालेंगे। ये बन के तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सो एवरीवन, आप देख सकते हैं हमारे जो मुनक्का है उनका साइज इतना हो गया है। सो हमारा जो मुनक्का मिल्क है वो गिलास के अंदर आ गया, और इस दूध के अंदर ही हमने मुनक्का को भी डाल दिया है। आप पहले मुनक्का को खाएं और थोड़ा थोड़ा दूध पीते रहें, पहले इसको हल्का ठंडा कर लें उसके बाद। और मुनक्का के जो फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो भी हमने बता दिए हैं, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। ओके, हैव अ गुड डे।